एंड एक लाइन दे रखी है इसकी इक्वेशन है टेन बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री एक्स वाईक्वस टू ना 10, 4X, 3, okay? हम 3X, हमें लाइन का दैट वाईक्स टू एम एक्स प्लस सी ओके स्लोप दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस वन मान लेते हैं जो सी वन सी टू की लाइन है इनका जो स्लोप है वो एम टू है एंड इस टेंजेंट का स्लोप क्या है एम वन ओके सो माइनस फोर बाई थ्री इन टू एम टू दिस इज इक्व टू माइनस वन सो यहाँ से एम टू क्या बाई फोर सी टू को कनेक्ट करने वाली लाइन की स्लोप क्या क्या सकते हैं दिस इज इक्वस टू पर अपन बेस एंड अगर एक हम राइट एंगल ट्रैंगल ड्रॉ करें

इक्वेशन क्या होती है सी वन सी टू की अगर देखें हम सो इक्वेशन ऑफ सी वन सी टू इसको हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में एक्स माइनस एक्स वन बाई थी माइनस माइनस आर वेयर आर इज द रेडियस ओके एंड एक्स वन वाई वन क्या है मेरे पॉइंट्स एंड वो पॉइंट हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में वन कामा टू ओके एंड रेडियस दे रखा है फाइव सो एक्स वन कामाई वन है मेरा

y माइनस टू बाई थ्री दिस इज इक्व टू प्लस माइनस वन सो यहाँ से क्या मिल जाएगा x माइनस फोर सो माइनस फोर प्लस वन सो x के so so so, यहाँ से दो वैल्यूज आ गई फाइव कॉमा माइनस थ्री सिमिलरली यहाँ से हमें y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी y माइनस टू दिस इज इक्वस टू प्लस माइनस थ्री और y इक्व टू थ्री प्लस टू और माइनस थ्री प्लस टू सो वाई की दो वैल्यूज मिल जाएंगी फाइव कामा माइनस वन ओके सो यहाँ से मेरे सेंटर क्या आ यहाँ से मेरा सेंटर आ जाएगा से सीवन का सेंटर आ गया एंड सी टू का सेंटर सर्कल सी टू का सेंटर आ गया माइनस थ्री कॉमा माइनस वन ओके ना हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है C1 के सेंटर दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा एंड C2 का दे रखा है गामा कामा डेल्टा सो ये क्या हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा एंड ये हो जाएगा गामा कॉमा डेल्टा ओके एंड हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम वैल्यूज पुट कर देंगे सो so यहाँ से क्या मिल जाएगा मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज फाइव प्लस फाइव गामा प्लस डेल्टा दैट इज माइनस थ्री माइनस वन मॉड ओके सो मॉड ऑफ